ये आज जो पुलिस का मुख्य कर्तव्य होता है, जो पोलिंग पार्टीज निकलती हैं ईवीएम्स के साथ, तो उसमें पुलिस को एस्कॉर्ट करना होता है साथ में, पोलिंग पार्टीज की सुरक्षा देखी जाती है। वहीं जो थाने और चौकी होते हैं वो संबंधित केंद्र की सुरक्षा देखते हैं, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ पर आज विधानसभा वार पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हैं, उनकी अटेंडेंस चेक की जाती है और जो संबंधित पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके साथ बसों में इनको रवाना किया जा रहा है। लगभग 700 के लगभग बसेस यहाँ से रवाना होंगी और वहीं रास्ते में भी इनके सुरक्षा के लिए जगह जगह हम लोगों के SHO चौकी इंचार्ज वगैरह लगे हैं। बैरियर्स डाइवर्जेंस हैं, कुछ बारिश ज़रूर हुई है लेकिन सब लोग अपना बारिश में भी डटे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लगातार लोग जो पोलिंग पार्टीज़ हैं अपना काम कर रही हैं, बसों में बैठ रही हैं और रवाना होना शुरू हो गया। बारिश में सब कुछ खलल डाला है? बारिश में जो भी था एक चुनौती थी वो सबने स्वीकार की और उसमें फिर भी जो है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पुलिस हो, सबने मिल करके जो समस्याएँ आई थी उन सबको दूर करते हुए और जो जो निर्धारित हम लोगों का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसका पालन करवाया। सेंसिटिव जो बूथ है सर उनका कोई खास व्यवस्थाएँ की गई? देखिए हम लोगों के पास जो भी कोई भी अगर हमारा केंद्र है तो वहाँ CAPF होती है, सिविल पुलिस है, इसके अलावा स्पेशल क्लस्टर्स हमने बनाए हैं जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको देखने के लिए। संवेदनशील क्षेत्रों में हम लोगों ने पिकेट्स और लगाई हैं, 8 पिकेट्स अलग से सिविल पुलिस PAC की भी लगी हुई हैं। इंटेलिजेंस की मशीनरी को स्ट्रॉन्ग किया गया है, सेक्टर पुलिस मोबाइल है, क्लस्टर जोनल पुलिस मोबाइल्स हैं, UP 112 की गाड़ियों को भी संवेदनशील इलाकों में रखा गया है, हमारी लेपर्ड चीता मोबाइल्स को भी रखा गया है। कानून व्यवस्था के लिए एक अलग से फोर्स है और बूथ के लिए अलग से डेडिकेटेड है। ड्रोन कैमरा की व्यवस्था?